हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सेलसी, और मेरे साथ हैं डीराज सर। और अपन पी ब्लॉक का पार्ट फर्स्ट अपन देख चुके हैं, जिसमें दो फैमिली के बारे में अपन ने देखा था। आज सर दो ग्रुप और है, अगले जो नेक्स्ट दो ग्रुप अपन डिस्कस, हाँ, निकोजन फैमिली और अपन आज चालकोजन फैमिली की बात करने वाले। तो देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 31। N2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ, मतलब N2 नाइट्रोजन के साथ किसे प्रिपेयर कर सकते हो? तो एक है अमोनियम डाइक्रोमेट है ये, बिल्कुल। अगर इसको आप हीट देते हो तो यहाँ से डाइनाइट्रोजन बनेगी, H2O निकल जाएगा और Cr2O3 बनेगी। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शंस को, लेकिन आपको ये ध्यान रखो डाइनाइट्रोजन यहाँ बनेगी। इसी प्रकार अमोनियम है, इसमें नाइट्राइट है, ये ध्यान रखना अमोनियम नाइट्राइट है। इसको हीट करो तो N2 बनेगी और H2O बन जाएगा, लेकिन इसकी जगह अगर अमोनियम नाइट्रेट होता तब N2 बन जाए तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, लाफिंग गैस। ये है मेन चीज जो देखनी है, अगर नाइट्राइट को हीट करते हैं तो ही N2 बनेगी, नहीं तो लाफिंग गैस बन जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। और ये आपका होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। इसी प्रकार AZ, ये तो सबसे बेस्ट मेथड है डाइनाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन बनेगी। तो इसको जैसे ही आप हीट दोगे, बेरियम अपना अलग चला जाएगा और N2 आपकी अलग आ जाएगी, प्योर फॉर्म में आएगी। तो ये सभी प्रोसेस है जहां पर आप डाइनाइट्रोजन, अब इनमें एक थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल है ना, आप निकाल लिया करो, जो रिमेनिंग बचता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि गैस कौन सी बन रही है। हाँ, जैसे अभी क्रोमियम का ये तो ऑक्साइड है, स्टेबल +3 बिल्कुल है, और बाकी जैसे वाटर बना के देख लो, एक वाटर निकाल, जैसे आप देख लो इसमें आपके पास आ रहा था ये ऊपर जो सर ने लिया, इसमें H2 आपने देख लिया, अब NH4 आ रहा है ना, यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। हाँ बिल्कुल, रिमेनिंग आपके पास N2 बची कुछ, तो आप वाटर मॉलिक्यूल बना के देख लो, तो उससे पता चल जाएगा N2 बनेगी, N2 बनेगी। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे ना, 2H2, फिर एक ऑक्सीजन बच जाएगा आपके पास, तो यहाँ N2 बनेगा। बिल्कुल, आपको ये ध्यान रखना है जब भी किसी को आप हीट देते हो तो गैसेज अगर कोई निकलने वाली होती है निकाल दो, कोई छोटे मॉलिक्यूल्स वाटर या HF टाइप के निकलते हैं वो निकाल दो, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स और गैसेज निकल जाती है हीट देने पर। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट इन पाइरोफॉस्फोरिक एसिड है, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट आर, देखो पायरो, पायरो का मतलब समझो, मतलब ये लिंकेज होगा उसमें, पायरो का मतलब, ये ध्यान रखो। तो पायरो फॉस्फोरिक एसिड क्या है, तो कैसे बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है आपका? OH. तो पायरो कब बनता है? जब दो फॉस्फोरिक एसिड को आप हीट करते हो, दो मोल ले लें और इन दो मोल को हीट करेंगे, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड ओ एच, ये आ गया आपका पायरो लिंकेज OH। तो यहां साफ साफ पता चल रहा है कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है सेंटर से, चार। या बेसिसिटी पूछ लेता है कई बार, तो सेंटर से डायरेक्ट कितना OH अटैच है वो उसकी बेसिसिटी होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 4। पायरो का मतलब ये है और परोक्सी आ जाएगी, इसका मतलब ये लिंकेज, फंक्शनल लिंकेज। नेक्स्ट चले सर, यहाँ पे दे रहा है आपको व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा, व्हाइट फॉस्फोरस P4, ये ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है, व्हाइट पे इसका रिएक्शन अपन ने करवा रहे हैं, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा सबको पता है NaOH, तो इसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना, CO2 का इनर्ट मीडियम यहां पर दिया जाता है, तो यहां तो एक तो फॉस्फीन बनती है आपकी और एक बनता है NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, कौन सी रिएक्शन है, तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज में यहां पे, और यहां पे देखा जाए तो ये -3 में गया और ये अपना चला गया +1 में, तो मतलब कि ये -3 में गया है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं और प्लस में गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर रहा है। तो जब किसी ये एक ही, ये तो कहने का रिडक्शन हो गया, हाँ, और ये ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब अगर एक ही एटम का, ध्यान से सुनना, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का आपका रिडक्शन होता है, तो इसको अपन डिस्प्रोपियोनेशन या विस्मानुपातन डिस्प्रोपियोनेशन रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन होना चाहिए, हाँ, एक ही एटम। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन गिव एन ऑक्सी एसिड, पूछा है किसमें दे रहे हैं, अगर 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड आप ले रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहे हो, बिल्कुल 2 मोल नाइट्रिक एसिड का मतलब है HNO3, तो N2O5 दो, तो जैसे 2 मोल लोगे आप हीट करो तो N2O5 बनने वाला है और H2O बनने वाला है, इसका मतलब आप इसको एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड भी आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के डिहाइड्रेशन से आपका ये बन रहा है,
तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है ऑक्साइड बन रहा है यहाँ से, ना कि ऑक्सी एसिड बन रहा है। ऑक्सी एसिड की कंडीशन है डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन हो सेंटर से, जो भी है सेंटर का एटम, और कम से कम उसके पास एक OH ग्रुप हो तो वो ऑक्सी एसिड है। सेंटर से डबल बॉन्ड के साथ कम से कम एक ऑक्सीजन हो और एक कम से कम OH हो तो वो आपका ऑक्सी एसिड है। जबकि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसकी स्ट्रक्चर देखो, हाइड्रोजन तो इसमें है ही नहीं। अगर इसकी स्ट्रक्चर करें तो कुछ इस टाइप की सी अपनी स्ट्रक्चर होती है, क्यों सर? तो ये वाला तो नहीं बना रहा। दूसरा जो वन मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें देखो वन मोल ही दे दिया है, और वन मोल का मतलब है यहीं से H2O निकल जाएगा, SO3 बच जाएगा। हालांकि SO3 होता है जनरली साइक्लिक प्राइमरी फॉर्म में होता है, H3O9 में होता है, जिसकी स्ट्रक्चर होती है SO, SO, OS, इनके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होती है। तो सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि p तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए है ही नहीं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाते हैं, एक एक्सेप्शन है सिर्फ बेंजाइन में जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनता है वो sp2 से बनता है। तो यहां पे ये जो पाई बॉन्ड बनने वाले सारे के सारे p पाई है, मतलब कि ऑक्सीजन का तो पी और सल्फर का डी इन्वॉल्व होने वाला है इस बार, पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा। हां बिल्कुल, लेकिन अपनी बात तो यहां थी क्या ऑक्सीजन से लेकर एसिड के, यहां पर अपने जो ट्राई ऑक्साइड बना, हां एनहाइड्राइड ओ पे सल्फ्यूरिक एसिड अपना यहां पे बना है। इसी के बाद अपन बात करें 2 मोल क्लोरिक एसिड HClO3 क्लोरिक एसिड, क्लोरिक पर क्लोरिक HClO4, हां पर क्लोरिक होता तो HClO4। तो यहां पे इसको कर दो, तो इसके 2 मोल लेंगे तो Cl2O5 यहां बनेगा, तो ये भी आपका एनहाइड्राइड बन गया, एनहाइड्राइड बन गया, किसका? क्लोरिक एसिड का, एनहाइड्राइड ऑफ क्लोरिक एसिड। तो यहां पे भी कोई ऑक्सी एसिड नहीं बन रहा है, तो अपना आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट सिलेक्शन, Cl2 के आधिक्य में अपना वोनिक रिएक्शन पूछ रहा है, काफी अच्छी रिएक्शन है सर। देखो एक तो होता है NH3 और Cl2 की रिएक्शन, ये कह रहा है कि अपना आधिक्य में कौन हो Cl2, ये एक्सेस में है, ये एक्सेस में है, तो एक तो बनता है NCl3 और एक बन जाता है आपका HCl। तो यहां पे जो ध्यान देने वाली, ये एक्सप्लोजिव होता है क्योंकि अनस्टेबल होता है ये, तो ये तुरंत डिकम्पोज होगा, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसको एक्सप्लोजिव बोला जाता है। फिर इसके अलावा कई बार क्या होता है एक्सेस में कर लेता है, अमोनिया जब एक्सेस में कर लेता है और इसके Cl2 से रिएक्शन करता है, तो एक तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, कई HCl साथ में बना देते हैं, नहीं इसमें N2 बनता है, तो इसमें अपना सेकंड हो गया, इसमें सेकंड हो जाएगा क्योंकि अपने को Cl2 एक्सेस में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर, काफी अच्छा क्वेश्चन, कौन सा कर्म सही है? देखो इसके अंदर आपको ये देखना है, जब भी थर्मल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना होता है, ऑलरेडी एस ब्लॉक में मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूँ डूडी सर के साथ और केमिकल बॉन्डिंग में, कि जब भी मोनो एटॉमिक एनायन हो किसी भी आयनिक कंपाउंड में, तो उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है लैटिस एनर्जी, और अगर पॉली एटॉमिक एनायन होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है फाई के, तो फाई होता है चार्ज और साइज का रेशियो, और साइज का रेशियो, और लैटिस एनर्जी भी चार्ज और साइज रहेगी रेशियो। तो आपको यहां पे देखो लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली जबकि साइज के इनवर्सली है, ठीक है? तो जब मोनो एटॉमिक होता है ना, तो देखो जब छोटा हो तो छोटा स्टेबल होगा और बड़ा हो तो बड़े के साथ बड़ा स्टेबल होगा, कहने का मतलब है इसमें मोनो एटॉमिक एनायन का मतलब है छोटे हैं, तो छोटे वाले स्टेबल होंगे, मतलब कि उनकी साइज कम होगी क्योंकि साइज का इनवर्सली जा रहा है। अरे बड़ा बड़े के साथ स्टेबल होगा, मतलब पॉली एटॉमिक अगर एनायन की बात करें तो मतलब बड़ा ग्रुप हो गया, बड़ा हो गया तो साइज के साथ हो गया। देखो तो ये थोड़ा सा याद रखने की सीधी सी ट्रिक है। तो यहां पर अपन देखें मोनो एटॉमिक एनायन है तो इधर जा रहे हैं, तो साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रही है तो लैटिस एनर्जी कम हो रही है, लैटिस एनर्जी कम होने का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो बिल्कुल सही होता है। आगे देखें रिड्यूसिंग, आपको पता है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है थर्मल स्टेबिलिटी, किसके लिए? नॉन मेटलिक हाइड्राइड के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है जो टेम्परेचर देने पर डीकम्पोज हो,
तो जो आसानी से डिकम्पोज होगा वो जल्दी एच देगा, और एच का जुड़ना ही आगे की तरफ जाके क्या है रिडक्शन है। तो यहाँ पे देखो थर्मल स्टेबिलिटी इधर कम हो रही थी, तो इधर रिडक्शन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली चलेंगे। सेकंड भी सही हो गया, सेकंड भी सही हो गया। फिर लेविस एसिड की स्ट्रेंथ देखो, जनरली तो ये ध्यान रखो लेविस एसिड की स्ट्रेंथ होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो लेविस एसिड की बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तो इधर जा रही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। लेकिन इसका मेन एग्जैक्ट थीम आपको समझना हो तो देखो ड्रैगन रूल आपको ध्यान में हो कि अगर सेंट्रल एटम थर्ड या हायर पीरियड का है और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है या उससे कम है तो वहां हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, बॉन्ड होगा वो प्योर पी ऑर्बिटल बनाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कम है, जबकि यहां इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और sp3 है कि पर्टिकुलर डायरेक्शनल आपका क्या डायरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑर्बिटल, तो डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है तो लोन पेयर डोनेटिंग डेंसिटी ज्यादा होगी। फिर इनमें कैसे डिसाइड करें जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो देखो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ी, और सेंट्रल एटम की साइज बढ़ने का मतलब है लोन पेयर डेंसिटी कम हो गई, और डेंसिटी कम हो गई इसका मतलब उसकी डोनेटिंग नेचर कम हो गई, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। यानी मतलब हम लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखते हैं, अवेलेबिलिटी सेंट्रल एटम, हां वो पहले जो था अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, वो पहले सिर्फ एक ट्रिक थी, बाकी एक्चुअल थीम ये है जो पहले वो ड्रैगन से बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन से बताते हैं। तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा सर फोर्थ। नेक्स्ट चलिए सफेद फास्फोरस के बारे में सबसे कठिन क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है कि देखा जाए तो रट्टा पे किसम का सा क्वेश्चन है आपको स्ट्रक्चर होती है और ये अपन सर शायद इनसे पहले बात कर पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसका एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, सबके साथ एक एक लोन पेयर होता है, सबके सब sp3 हाइब्रिड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, एक एक लोन पेयर सबके पास है। अब आपको पूछ लेता है कई बार सिग्मा बॉन्ड कितने, तो 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा, कई बार पूछ लेता है बॉन्ड एंगल कितना है, तो बॉन्ड एंगल 60 का है, इसी वजह से इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, एयर में लेते हैं तो ये तुरंत कैच फायर आग पकड़ लेता है। व्हाइट फॉस्फोरस बहुत ज्यादा, हाँ बिल्कुल, और इसके अंदर केमोल्यूमिनेंसी भी पाई जाती है, मतलब ये चमकता है अंधेरे में, हाँ ग्लो इन डार्क अंधेरे में चमके, हाँ एक चीज और अगर आप इसकी सोल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में ये सोल्यूबल है, ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है रेड फॉस्फोरस, तो उसमें ना तो केमिल्यूमिनेसेंस पाई जाती है, ना तो वो अंधेरे में चमकता है, और ना वो CO2 में कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व होता है, ना ही वो H2O में डिजोल्व होता है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी को वैसे अपन वैसे देख सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड आपका नॉन पोलर है, हाँ, और P4 क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, इसमें डिजोल्व हो जाएगा, हाँ। तो ये देखो ये कह रहा है कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय है लेकिन जल में अविलेय, तो ये बात मैं बोल चुका हूँ, ये सही है। वैसे मैंने 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल बोला सब sp3 है, तो अपना ही आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। हालांकि नीट में ऑल ऑफ दीज के क्वेश्चंस आते नहीं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में ज्यादा थीम अपन एक साथ समझा सके इसलिए हमने ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, अब आपको फॉर्मूले दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लिंकेज पीछे स्ट्रक्चर लिखनी है आपको, आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए इसके लिए। जैसे सबसे पहले इसकी बनानी है, तो कई बार क्या होता है कि हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना होता है नहीं पता होता, हाइड्रोजन हटा दो आप H2O8-2 आपका हो, तो यहाँ पे देखो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O- सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O-, तो यहाँ पे ये परोक्सी लिंकेज है, तो ये तो मैच हो जाएगा किससे, बी से, अच्छा SOS देते हैं बिल्कुल, ये तो मैच हो जाएगा C से। फिर इसकी बात करें तो ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, सबको पता है इसमें S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH ये अपना आ रहा है, तो यहाँ पे देखो SOS लिंकेज, तो ये तो सीधा सीधा मैच हो गया किससे, बी से, और ये आप समझते हो ही अपना थायोनिक एसिड जिसको कहा जाता है, बस ये होता है इसके नंबर 7 में, जैसे डाइथायोनिक है 2 सल्फर हो तो 3 हो तो ट्राइथायोनिक एसिड है, तो यहाँ इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होगी, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH
एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच। हालांकि इसमें यू आप फॉर्मूला दिखा सकते हो, एन की वैल्यू जीरो आ गई तो ये आ गया पॉलीथाइलिक, एन की वैल्यू वन आ गया पॉलीथाइलिक एसिड, ये अपना हो जाएगा। तो एस एस लिंकेज होता है इसमें, तो ये मैच हो गया किससे, ए से। तो सी बी ए सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है सर। कंसीडर दैट टू, जैसे दो रिएक्शन पूछी है, हाँ, एक कंसंट्रेटेड के साथ एक डाइल्यूट के साथ, बिल्कुल। इसके लिए सर अपन एक टेबल बच्चों को बढ़वा देते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधे आंसर की ओर चले जाएंगे। एक तो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल सेटल, जिनका एसआरपी बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, जैसे अपने इसमें एग्जांपल मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये दो याद रखो, जनरली इन्हीं के साथ बात करेगा ये, बाकी बात भी नहीं करेगा। तो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल्स होती है, इनकी कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा सकता है, डाइल्यूट HNO3 के साथ करवा सकता है, और वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवा सकता है। अभी तरह एक हो गई नेगेटिव SRP मेटल, ये भी नेगेटिव SRP है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव SRP है, मोर रिएक्टिव है, तो ये मतलब नेगेटिव SRP आएंगे, बाकी दो यही आ गई, ऐसे याद रखो इसको। नेगेटिव SRP जैसे कि जिंक हो गया वगैरह, इनकी बात कर रहा है, टिन हो गया, ये जो भी नेगेटिव SRP मेटल है वही कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, डाइल्यूट के साथ और वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एक हो गए पॉजिटिव SRP मेटल्स, जिसमें कॉपर वगैरह ये आ गए, जो हाइड्रोजन से नीचे, हाँ हाइड्रोजन से नीचे, इसी एस में जो हाइड्रोजन से नीचे, और एक अपनी आ गई नॉन मेटल्स। तो देखो जब ये करेंगे ना, तो मेटल नाइट्रेट बनेगा, तो एक चीज याद रखो, यहां मेटल नाइट्रेट बनेगा, गैस निकलेगी NO, यहां पे मेटल नाइट्रेट बनेगा, गैस निकलेगी NO2, मेटल नाइट्रेट बनेगा, गैस निकलेगी NO2, यहां पे नॉन मेटल है तो यहां ऑक्सी एसिड बनेगा, हाँ, और गैस वही NO, पर्टिकुलर नॉन मेटल का ऑक्सी एसिड बनेगा, कंसंट्रेट के साथ कोई सी मेटल हो और कोई सी ही नॉन मेटल हो, ये NO2 ही बनेगी सर, हाँ। फिर डाइल्यूट के साथ चले, वही मेटल नाइट्रेट बनेगा, आप कहीं पे भी नाइट्राइट मत बना देना, मेटल नाइट्रेट ही बनने वाले हैं, मेटल नाइट्रेट बनेगा, N2O बन जाएगी, यहां पे N2O बन जाएगी और यहां NO बन जाएगी, और ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं वेरी डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट के साथ ये आपका NH2OH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कई बार इसमें दे देता है ऑप्शन, ये नहीं होता है तो या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ मिलेगा या NH2OH, या कई बार अमोनिया भी रिलीज दिखा देता है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार की एक्वस फॉर्म ऑफ अमोनिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एग्जिस्ट होता है, हाँ, तो ये भी दिखा सकता है आपको, कई बार NH4OH दे देता है या फिर NH3 आपको दे देता है, जनरली आपको ये मिल जाओ, और वेरी डाइल्यूट के साथ ये रिएक्शन नहीं। तो अपने क्वेश्चन के पास रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो उनके साथ ही बन सकता है, हाँ, और जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी वैसे वैसे कंसंट्रेट ही, यहां तक तो इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट अपन जब भी डिसाइड करें, हाँ, तो मेटल की रिएक्टिविटी चेक करें, हाँ, प्लस एसिड भी देखें कि कंसंट्रेट है डाइल्यूट है, बिल्कुल, जैसे नेगेटिव है पॉजिटिव है सर भी जो बहुत ज्यादा रख लेते, जैसे प्लेटिनम हो गया या फिर गोल्ड हो गया, इनकी तो इतनी पॉजिटिव SRP होती है, इतनी लेस रिएक्टिव है, नोबल मेटल भी इनको बोलते हैं, कि ये कंसंट्रेट से भी नहीं करती है। अब जैसे इसमें ना जिंक के साथ है, अब जैसे मान लो ये N2 बन रहा है, हाँ, जिंक के साथ, वैसे क्या जैसे नीचे वालों के साथ बन रहा है NO, NO, तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +2 आ रहा है, +2, तो वो क्या जैसे जिंक है ना, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल, तो वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन और दे देता है, हाँ, वो +1 में जाके रुक जाता है, बिल्कुल ऐसा होता है, राइट। और यहाँ पे जो है ना प्लेटिनम और गोल्ड तो ऐसे हैं, कुछ भी लाओ, हाँ, किसी से नहीं करने वाला है ये, तो रिएक्शन करने नॉन मेटल, हाँ, इनके लिए तो एक स्पेशल चीज चाहिए, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया चाहिए इसके लिए, बिल्कुल। एक्वारेजिया में क्या होता है, कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3 का मिक्सर होता है, कई बार इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका रेशियो होता है, तो याद रखो एक के साथ एक और तीन के साथ तीन, 1:3 में होता है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, यहाँ 3 लगा हुआ है तो 3, और इसका ये एक्वारेजिन भूल जाएगी मेटल, और अदरवाइज नहीं भूलती, नहीं भूलती। तो अपना जो क्वेश्चन था वो यहाँ कॉपर के साथ था, तो देखो कॉपर अपना पॉजिटिव SRP है, तो कंसंट्रेट के साथ NO2 देने वाला है और डाइल्यूट के साथ NO देने वाला है, तो अपना आंसर हो जाएगा 4. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफी अच्छी चीज है, क्यों सर? नेक्स्ट चले, ये भी अच्छा क्वेश्चन, P4, P4O6, P4O10, इसमें क्या आपको स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल सर,
जैसे पी फोर अपन देख चुके हैं, इस बात मिली थी, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड कितने सिक्स हो गए, सिक्स सिग्मा बॉन्ड हो गए, फिर अपने पी फोर और सिक्स की स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर ओ पी ओ पी, वैसे तो ये हेक्सागोनल टाइप की होती है लेकिन मैं थोड़ा सा याद रखने के लिए सीधे सीधे बनाता हूँ। फिर एक ये लिंकेज होता है पी ओ पी लिंकेज, और इन सबके पास एक एक लोन पेयर पड़ा होता है। तो यहाँ पे देखें सिक्स पी ओ पी लिंकेज है तो सिग्मा हो गए 12 क्योंकि एक पी ओ पी में दो सिग्मा है 1 2, तो सिक्स कैसे हो गए 1 2 3 4 5 और सिक्स, सिक्स टू जा 12 तो इसमें होंगे 12 सिग्मा, और फिर और 10 मिलेंगे इसके अंदर है ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी, इनके साथ एक्स्ट्रा में डबल बॉन्ड और रहेगा, चार और डबल बॉन्ड चार सिग्मा और जुड़ जाएंगे तो इसमें हो जाएंगे टोटल 60 और जुड़ जाएंगे तो अपना 30। इसी बहाने सबके साथ स्ट्रक्चर शेयर हो गई है। नेक्स्ट मिश्रित एनहाइड्रेट पूछ रहा है, मिक्स एनहाइड्रेट, बिल्कुल मतलब जैसे दो एसिड का दो एसिड बना दिया हाइड्रोलाइसिस, दो एसिड बना दिया हाइड्रोलाइसिस, जैसे अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये नाइट्रस एसिड H2O दे देगा, हां ये नाइट्रस एसिड देता है तो इसको बोला जाता है एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। जैसे इसका देते हैं अपन ने थोड़ी देर पहले बात की तो ये 2NHNO3 बनाता है नाइट्रिक एसिड, इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका HNO2 हो गया। ये क्या करता है हाइड्रोलाइसिस करने पर HNO2 प्लस HNO3 दोनों टाइप के बनाता है, नाइट्रिक भी बनाता है और नाइट्रस भी बनाता है, इसलिए इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहा जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ये, इसी प्रकार जैसे NO2 ये भी एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड, वो ये N2 पर उसका डाइमर है, हाँ उसी का डाइमर है, मतलब जैसे NO2 है, हाँ ये चीज सर ने अच्छी बात की है। अपना आंसर तो आपको पता ही हो गया, सर ने बिल्कुल सर ने जो बात कर ली वो भी अपन कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है वगैरह, ठीक है। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, कई जगह इसको येलोविश ब्राउन भी कहते हैं, और अपन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इसका देखेंगे कि जहां ट्रैफिक जैम होता है जो येलोविश कलर का जो हैज बनता है वो इसी की वजह से बनता है, ये पोल्यूशन का काफी कॉज होता है, हाँ। और दूसरा देखा जाए तो ये ग्रीन हाउस गैस भी है, ये एसिडिक रेन में भी इसका रोल है, तो पैरामैग्नेटिक है कलर्ड है, लेकिन अगर इसको मैं लेके जाता हूँ कूलिंग कर देता हूँ 0°C पे तो ये आपका N2O4 बन जाता है, ये डायमैग्नेटिक है और होने को दोनों एसिडिक है लेकिन ये डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है, ये गैस है, ये सॉलिड है, और जैसे हाँ अगर रूम टेम्परेचर पे लाएंगे फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, किस हाई टेम्परेचर पर किस कन्वर्ट, हालांकि कई बार कई कंफ्यूज होते हैं कि डाइमर कैसे बनते हैं, अगर किसी का ऑक्टेट पूरा नहीं और उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो वो डाइमर बनाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, वैसे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाँ वो स्टेबल ही नहीं होता, बिल्कुल तो स्टेबिलिटी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है अपने बॉन्ड एंगल की वजह से, क्योंकि जनरली क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 120 के होते हैं और हमेशा जब कोई भी लोन पेयर या अनपेड आता है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और 120 से कम आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, पाई बॉन्ड है, इस वजह से यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अच्छी बात, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है NO2 प्लस NO3 NO2 प्लस NO2 NO2 माइनस और NO3 माइनस, तो देखो इसमें तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया 180 sp होता है इसमें, इसमें sp2 होता है आगे वालों में, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल आपको पता है 134, इसमें लोन पेयर आ गया एक तो रिपल्सन लगेगा इस वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा लेस देन 120 और यहां पे एग्जैक्ट 120, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ लेता है कई बार। नेक्स्ट लेट ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कौन से ऑक्सीबल में पीएच और पीपी दोनों बॉन्ड, मतलब दोनों बॉन्ड होने चाहिए, तो बात वही है आपको स्ट्रक्चर बनानी होगी, जैसे ये मेटा फॉस्फोर के हमेशा ध्यान रखो जब भी मेटा एसिड आते हैं वो साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, मेटा एसिड हमेशा साइक्लिक फॉर्म में होंगे चाहे वो किसी का भी हो, तो इसका बना लो कैसा होता है फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन
ऑक्सीजन फॉस्फोरस ये हो गया कंडीशन। फिर अपने को पता है इसके साथ अगर बात करें मेटाफॉस्फोरिक एसिड की ये बात कर रहा है डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस जहां पे ये माइनस किया है वहां एक एक हाइड्रोजन तो ट्रिपल नहीं ये ओ नेगेटिव देखा जाए तो इसमें तो पीएच बॉन्ड नहीं है और ना ही पीपी बॉन्ड है तो ये तो गया। इसकी हमने तो पायरो है ये तो पायरो में पीपी लिंकेज नहीं होता है। मैं ऑलरेडी इसकी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं डबल बॉन्ड ओ और बता भी चुके हैं साइज सर ये अपन बात कर चुके हैं ये पी डबल बॉन्ड ओ तो इसमें ना तो पीएच बॉन्ड है ना पीपी बॉन्ड है तो ये भी गया। इसकी स्ट्रक्चर अपन शेयर कर चुके हैं तो इसकी स्ट्रक्चर एक बार बना लेते हैं। इसमें पीपी बॉन्ड हो जाएगा लेकिन पीएच बॉन्ड नहीं है पीएच बॉन्ड नहीं है दोनों बॉन्ड पूछ रहा है एक साथ डबल बॉन्ड ओ OH OH P डबल बॉन्ड O OH OH इसमें नहीं होगा यहाँ पे दोनों बॉन्ड पूछे दोनों पूछे तो नन ऑफ दीज हो गया तो इसमें नन आ जाएगा। और वैसे क्या होता है जैसे जनरली क्या जिनमें पीएच बॉन्ड होता है उनमें पीपी बॉन्ड नहीं मिलेगा जब इसमें पीपी से पीएच नहीं होगा बिल्कुल। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि यहाँ पे एक भी आंसर नहीं आ रहा है तो नन न चला जाएगा। नेक्स्ट ओजोन के रिस्पेक्ट में आपको स्टेटमेंट है ये तो एप्लीकेशन है इनको याद रखना पड़ेगा। ओजोन इज फॉर्मड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग डाइऑक्सीजन बिल्कुल सही बात है आपको पता है वहां पर ये लफड़ा चलता रहता है आप ये याद रखना डाइऑक्सीजन वाटर से लेकर के ये चलता रहता है। नेक्स्ट चले ओजोन इज मोर रिएक्टिव बिल्कुल आपको पता है इसमें टूट रहा है ये नेसेस्ट ऑक्सीजन है नवजात ऑक्सीजन है जो ज्यादा रिएक्टिव होती है ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज ए ब्लीचिंग एजेंट आपकी ये काम में आती है तो बात ये दो तो सही होगी सर। ओजोन डायमैग्नेट बिल्कुल डाई देखो अगर कोई मोनो एटम है ठीक है या एक नॉर्मल एटॉमिक है कोई सिर्फ अकेला एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आप भरो एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर आपके पास डाई एटॉमिक है तो उसका इलेक्ट्रॉन भरो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और अगर पॉली एटॉमिक है तो मेरे पास आ जाओ इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ दो पॉली एटॉमिक आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ओड है तो वो पैरामैग्नेटिक है और अगर इवन है तो वो डायमैग्नेटिक है और बाकी उनमें तो आपको अनपेयर्ड निकालना आ ही जाएगा। तो यहां पे देखा जाए तो 6+6+6 तो हो गया 18 इवन है मतलब डायमैग्नेटिक और इसका एमोटिशियम भर के देख लो तो आपको पता चलेगा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई जो एंटीबॉडी में एक इलेक्ट्रॉन है इसीलिए तो एमोटिव भी दी इसीलिए हाँ क्योंकि वीबीटी ये बोल रही थी कि डायमैग्नेटिक से कोई रियलिटी में कैसी थी पैरामैग्नेटिक एक्सप्लेन किया था कि डायमैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक नेचर को तो अपना आंसर ये भी सही हो गया। फिर ओजोन ये गया भाई ओजोन गामा नहीं ओजोन अल्ट्रावायलेट तो अपना ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप इनकरेक्ट कर ड्यूटी सर को फॉलो करता हूं। नेक्स्ट सर P4O10 में आपको पूछा दीर्घ और लघु लंबाइयों को अभी स्ट्रक्चर बनाई थी बिल्कुल ये सिंगल वाले थे वो सारे लॉन्ग बॉन्ड माने जाते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी पी ओ पी एक ही चीज बार बार बनाना ये देखो ये डबल बॉन्ड वाली ये शॉर्ट है बाकी सारे लॉन्ग तो लॉन्ग पूछे तो कितने हो गए 12 है और शॉर्ट पूछे तो ये चार तो चार हो गए। नेक्स्ट लेसन व्हिच पेयर ऑफ एलिमेंट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन मतलब ऐसा ग्रुप देखना है जो खुद के साथ और ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाए जैसे यहां पे देखो फ्लोरीन ये ना ऑक्सीजन के साथ बनाता है ना खुद के साथ नाइट्रोजन देखो नाइट्रोजन ने अपने देखे NO2 ऑक्सीजन के साथ बना रहा है ना बना के देख लो ना और खुद के साथ बनाता है ये तो नाइट्रोजन पास है नाइट्रोजन बना लेगा क्लोरीन खुद के साथ नहीं बनाता ऑक्सीजन के साथ बना लेता है ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ खुद के साथ बनाता है फॉस्फोरस से ऑक्सीजन के साथ बनाता है लेकिन खुद के साथ नहीं बनाता क्यों अगर खुद के साथ बनाएगा तो खुद का 3P और
दोनों फॉस्फोर का 3P3P इन्वॉल्व होगा और लार्ज साइज की वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी, तो वीक पाई बॉन्ड बनेगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का बता ही दिया, कार्बन आपको पता है सिंगल बॉन्ड भी होता है इसका, तो ट्रिपल बॉन्ड भी होता है और डबल बॉन्ड भी अपना होता है, और देखा जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है। तो देखिए सर, addition of concentration of chloride salt colorless fumes are involved, but in the case of iodide salt violet fumes comes up, this is because kabhi shandar question hai sir ye when he boom bana raha bilkul dekho chloride salt ye reaction aap pata hai kaise padhte hain NCERT mein ek reaction de rakhi hai H2SO4 ki reaction karwa de chloride salt NaCl ke sath to aapne padha hoga NaHSO4 ban jayega aur HCl nikal jayega ठीक है, और आपको पता है HCl तो कलरलेस होती है, व्हाइट फ्यूम्स देता है ये, लेकिन जब अमोनिया मिल जाती है तो अमोनियम क्लोराइड का होता है वो, अमोनियम क्लोराइड का व्हाइट फ्यूम। हाँ, और इसमें आगे और NaCl मिला दो तो Na2SO4 फिर HCl बनने वाला है। क्लियर, ये बात सही है। अब ये कह रहे हैं इसके साथ आयोडाइड सोल्ट मिला दो, चलो NaI मिला दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, तो NaHSO4 और HI बनेगा, और आपको पता है आयोडाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, I2 होता है वो वायलेट कलर का, तो इसका मतलब है HI गेट ऑक्सीडाइज्ड टू O2, I2 थर्ड, इसीलिए ऐसी रिएक्शन जब भी होती है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ लेके चला जाता है, चाहे वो HNO3 लेके चलो, चाहे HI जो भी आप अपना लेके चले, ताकि इस HI को हटाया जा सके, नहीं तो ये वापस से ऑक्सीडाइज होकर के I2 बनाएगा। ठीक है, तो अपना इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड। कौन से सल्फर के परोक्सी अम्ल है, ये भी क्वेश्चन आप आ चुका है, बात कर बिल्कुल इसके स्ट्रक्चर तो मैं बता चुका हूँ, परोक्सी लिंकेज है, इसको अपन मार्शल एसिड भी अपन बोल सकते हैं, परोक्सी डाई ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी परोक्सी लिंकेज है, इसको कैरो एसिड कहा जाता है, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल ओ एच ओ ओ एच, अगर फिर भी आपके कोई लफड़ा हो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से ज्यादा हो रही है इसका मतलब उसमें 100% परोक्सी लिंकेज है, जैसे आप यहां हो इसका निकालो 2+x-10=0 x=2+8, तो सल्फर की तो मैक्सिमम +6 ही होती है, +8 आई है, इसका मतलब 101% इसमें परोक्सी लिंकेज है, तो आपको स्ट्रक्चर नहीं भी आती है तो आप ऐसे निकालो, जैसे इसके पास आ जाओ 2+2x, अब आप कहोगे 2x, एक सल्फर का x तो दो का 2x, और इसका आ गया -16, तो अगर ये करे 14 तो x=+7 आ गया, तो +6 से तो ज्यादा ही आ गया भाई, सल्फर का 6 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं। हाँ, तो अब आप सब समझ गए होंगे कि क्या लफड़ा यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट है सर, तो ये फर्स्ट हो गया। हाँ, अब कौन सी समीकरण सही नहीं है, ये सब भी अपने भी बात करी थी, नॉन मेटल के साथ ये नॉन मेटल है सर। हाँ, और रिएक्शन करे तो NO2 बन रहा है, तो ऑक्सीडेशन बनने वाला है। एक चीज याद रखो, हर नॉन मेटल को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज तक ऑक्सीडाइज करता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है आयोडीन, इसको +7 तक नहीं ले जाके +5 तक ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। तो ये देखो +7 में कर दिया इसको, जबकि इसका सिर्फ HI O3 ही बनेगा। कार्बन होता तो कार्बन मैक्सिमम +4 तक जाता है, तो CO2 बनाएगा या H2CO3 बनाएगा। तो अपने सही नहीं पूछ रहा, यही गलत हो गई, यही गलत। अब ये अपन बात कर चुके हैं, कंसंट्रेट देखो, ये आपकी नेगेटिव SRP है, कंसंट्रेट आ गया NO2, डाइल्यूट आ गया N2O, और आंसर तो वही फोर्थ आ गया। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। हाँ, और NCERT में भी दे रखे हैं, बिल्कुल सर, जिंक का और कॉपर की रिएक्शन, वो ऑक्सीडेशन वाली भी अपनी ये रिएक्शंस भी उसमें NCERT में ऐसे कैसे दे रखे हैं, बस ये कार्बन वाली खा गया ये। इसमें कई बैलेंसिंग में लफड़ा करते हैं, मेरे पास बैलेंसिंग की ट्रिक है एक शानदार, देखो कार्बन, फिर उसके बाद में आयोडीन, फिर उसके बाद में फॉस्फोरस, और एक कौन आ गया अपना सल्फर, सल्फर एसिड फॉर्म में होता है, तो इसके साथ अपन रिएक्शन करवा दें HNO3 के साथ। तो इसको बैलेंस कैसे करें, इसका सिंपल सा तरीका है, इसके जितने एटम है ना किस ऑक्सीडेशन स्टेज में ऑक्सीडाइज करा है वहां तक लेके जाओ, ये बन जाएगा या H2CO3 बन जाएगा। तो बैलेंस कैसे करना है, यह +4 तक जाता है, तो मोनो एटम है तो 4×1, तो ये आ जाएगा 4। वही कंसंट्रेट HNO3 कहां तक जाता है, HIO3 तक जाता है, तो ये +5 तक जाता है, ये कितने 2, 5×2 या 10,
बाकी उधर वाले तो फिर अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि NO2 और H2O ये नंबर लाना ही मुश्किल है, एक बैलेंस हो जाता है तो सारे हो जाते। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम में आने, नहीं तो दो बढ़ाएंगे फिर तीन बढ़ाएंगे, काफी टाइम लग जाता है। जैसे इसका करना हो अपने को, तो ये बनाता है H3PO4 प्लस 5 तक लेके जाता है, तो 5 4 जा 20। फिर आ जाओ सल्फर, ये इसको H2SO4 तक लेके जाता है प्लस 6 तक, तो इसका अगर देखें H6 जा 48। क्यों सर है नहीं लाजवाब ठीक एकदम। नेक्स्ट चलते, ये अपना हो गया, ये बात करते हैं सर फास्फोरस के ऑक्सीअम्लों में कौन से में पीएच बंद होता है। ये सर अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी उसमें लैंग्वेज अलग थी। ये कहा था कि कौन सा ऑक्सी एसिड है जो रिड्यूसिंग नेचर रखता है, तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है ना इन जनरल अपन देखते हैं सर। बिल्कुल सर, OH OH और तो फास्फोरस के जैसे H3PO4 है। हां अब जैसे अपन कम करेंगे, जैसे H3PO4 है, एक है H3PO3 है और एक H3PO2 है, तो इसमें अपन क्या जैसे बेसिस सीट अपन है ऑक्सीजन से याद रखते हैं सर, ऑक्सीजन चार है तो तीन है, तीन है तो दो है, दो है तो एक है, और उसमें पीएच बंद बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ऑक्सीजन जैसे इसका ये हो गया। हाँ अब इसका बनाना हो तो एक काम करते हैं आप, ये कर दे, इसका बनाना हो एक और कम कर दे, मतलब इसके पास पीएच लिंकेज है जीरो, इसके पास है पीएच लिंकेज एक और इसके पास है दो। पीओएच की बात करें, इसके पास तीन है, इसके पास दो है, इसके पास एक है, ऑक्सी एसिड के पास एक तो होगा ही होगा, और पीएच बॉन्ड बढ़ेंगे तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ती जाएगी। हाँ, सेंटर से कितना एच डायरेक्ट जुड़ा है उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को बताता है। तो पीएच कुछ है तो इसमें तो होता नहीं है, इसमें तो होता नहीं, इसमें होता है, इसमें भी नहीं होता, जैसे कैरो एसिड होता है ना वैसे इसका होता है, H3PO4 होता है, जैसे H2SO5 होता है ना वैसे H3PO4 का H3PO5 हो गया, इसमें भी परोक्साइड लिंकेज होगा, इसमें भी नहीं होता है, पायरो आ गया, जहां एक लग गया वहां मिलेगा ही नहीं, इसमें एक होता है इसमें दो होता है, अभी अपन ने बात कर ली, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। और आपको पता है ये कई इसमें दिमाग लगा जाते, ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं आती है, ये मेटा है या साइक्लिक है, तो H3P3O9 के पास जाना पड़ेगा। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन सर, H3PO4 का हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन, हीटिंग का देखो, अगर आप ये हीट देते हो और ये हीट देते हो तो फर्क है, ये हीट देते हो तो दो मॉलिक्यूल में से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, आप अगर उसको थोड़ा हाईली हीट देते हो, ज्यादा हीट देते हो तो एक ही मॉलिक्यूल में से H2 निकल जाता है, तो ऐसे करोगे तो पायरो बन जाएगा H2, अच्छा फास्फोरस का क्या H4P2O7, और अगर इसका लेके चलते हो तो HPO3 बनने वाला है, बेटा फास्फोरिक एसिड बनने वाला है, ये इसको फिर से हीट दे रहा है तो ये बिल्कुल बेटा में ही जाएगा, फिर इसको और स्ट्रॉन्गली हीट कर रहा है तो ये आपका पता है इक है, तो हमेशा ध्यान रखना एनहाइड्राइड की ऑक्सी एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम होती है, तो ये प्लस फाइव वाला है तो प्लस फाइव वाला ही बनेगा, ऑक्साइड बन जाएगा। हाँ तो एक्स पूछा है तो एक्स H4P2O7 हो गया, वाई पूछा है HPO3 हो गया, जेड पूछा है P4O10 हो गया, ये सारा लबड़ा ऑक्सीडेशन स्टेज से चलेगा, कहीं पे भी ऑक्सीडेशन स्टेज बदलने वाली नहीं है, ऑक्सीडेशन वही रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जब किसी हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है या फिर किसी ऑक्सी एसिड से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है या किसी ऑक्साइड से वापस ऑक्सी एसिड बनाया जाता है, इन सब के अंदर कहीं पे भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन सब में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेज और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेम बना रहे। नेक्स्ट लेसन, सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, एक कैटायन बनता है एक एनायन बनता है। बिल्कुल, अगर ये आपको गैसेस देता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा, इसमें sp3 टेट्राहेड्रल और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल दो यूनिट होंगी। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आ जाता है सॉलिड pbr5, अब कई क्या करते हैं कि ऐसा ही कुछ कर डालते हैं pbr4 प्लस और pbr6 माइनस, लेकिन ब्रोमाइड लार्ज साइज का है तो इसके डी के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्शन नहीं कर पाता है, स्टेरिक हिंडरेंस आ जाता है, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब भी ये सॉलिड होगा आयनिक ही होगा लेकिन
कुछ इस प्रकार होगा Br माइनस आयन। हाँ, ऐसे ही N2O5 कोवेलेंट होता है, लेकिन जब ये सॉलिड होगा तो आपको पता होना चाहिए NO2 प्लस और NO3 माइनस होगा। तो ये पूछे गए, ऐसे आयोडीन के कई ऑक्साइड है, ऐसे क्लोरीन के कई ऑक्साइड है, तो ये आपको खास तौर से इन चीजों पे ध्यान देना है। तो अपना आंसर तो सर, तो इनके सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाते हैं। हाँ, सॉलिड में ये आयनिक होते हैं और गैसेस में ये हमेशा कोवेलेंट होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जनरली अपन क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल के बीच बनता है, लेकिन यहाँ देखो नॉन मेटल ही है लेकिन बन रहा है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए ये कहना गलत होता है कि मेटल नॉन मेटल के बीच बनता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब कि हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव और हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स के बीच बनता है। अब वो चाहे मेटल नॉन मेटल हो, चाहे नॉन मेटल या ये कह सकते हैं अपोजिट आयन जहां होते हैं वहां आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन वहां पर चार्ज पार्शियल नहीं होता, चार्ज कंप्लीटली आता है। वैसे दोनों में क्या केटायन आयन बने, हाँ, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जी ग्रेनाइट। नेक्स्ट देखते हैं सर, कौन सा लैंड स्रोतिक अम्लीय है। बिल्कुल, तो अब जैसे आप एक ग्रुप में देख लो, जैसे नीचे की तरफ जाते जाओ तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, एसिड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। हाँ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक PCl3। बिल्कुल, देखो इसको तो बोल जाओ, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, ये तो अलग होगी। इन सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब ये लेविस एसिडिक नेचर शो कर सकते हैं, और लेविस एसिडिक की स्ट्रेंथ होती है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, वो चाहे सेंट्रल एटम की हो चाहे साइड एटम की हो। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में से साइड एटम तो सेम है, सेंट्रल एटम प्लस की ज्यादा है, तो ये हो गया। एक जगह पर सिर्फ माप खा जाते हैं BF3 BCl3 BBr3 Bi3 जिसकी बात अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके, वहां पर बैक बॉन्डिंग का रोल आ जाता है। तो वहां पर एक ग्रुप में जो लेविस एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, एक वो ग्रुप है बस। नेक्स्ट चले सर, ये तो अपन क्वेश्चन आ गया ट्राइमर फॉर्मेटिस्ट होता है, एक्चुअली बना चुके हैं अपन, इनको बता चुके हैं, एस बस एक में काउंट कर लो फिर थ्री से मल्टीप्लाई कर लेना, ओ एस ओ। और एक चीज आपको मैं बता दूं, कई कंफ्यूज होते हैं कि करें तो क्या करें, कैसे पता लगाएं कि पी पाई है या पी पाई डी पाई है। तो एक ट्रिक देता हूं शानदार, अगर दोनों एटम सेकंड पीरियड के हैं तो डी तो आता ही नहीं, वहां 100% पी पाई होगा। अब मान लो दोनों एक सेकंड या थर्ड का है या दोनों थर्ड के, तो ऐसे में मेरे पास आओ, मैं देता हूं ट्रिक। एसपी हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी का आ रहा है और वहां पर दो पाई बॉन्ड है तो दोनों पी पाई है, क्योंकि अभी भी इसके पास दो नॉन हाइब्रिड पी है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक पाई बॉन्ड आया तो वो पी पाई होगा, और अगर दूसरा आया तो वो पी पाई डी पाई होगा, और अगर sp3 आ गया तो पी तो यहां पर पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो हमेशा यहां पर पी पाई डी पाई होगा। अब आपको होगा कि डी पाई क्यों नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो पाई बॉन्ड होता है इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग कौन सी होती है, सबसे इफेक्टिव होती है पी पाई फिर पी पाई डी पाई, और उसके बाद में सॉरी अपन ये कह सकते हैं टू पी पाई सबसे इफेक्टिव, फिर टू पी पाई थ्री डी पाई, फिर टू पी पाई और थ्री पी पाई, इन दोनों में साइज सेम है लेकिन वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आएगी डी की और पी की, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। यही बैक बॉन्डिंग बनती है, इसके अलावा इफेक्टिव नहीं बनती है। तो आ जाइए यहां पर, तो आपको पता है इन सब में देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे सारे पी पाई डी पाई, क्योंकि साइड आइटम हमेशा पी देगा, डी पाई तो कभी होती ही नहीं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए क्योंकि सबके पास एक एक पाई बॉन्ड है। जैसे SO2 है, SO2 के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखो डबल बॉन्ड हो तो एक पी बचा हुआ है बीबी, तो एक पी पाई दूसरा पी पाई डी पाई। ऐसे ही SO3 एक पी पाई बाकी सारे पी पाई डी पाई, क्यों सर। तो काफी अच्छी ट्रिक थी अगर शॉर्ट में जाएंगे। नेक्स्ट चले, वही आ गया सर, घुमा फिरा गया, किस क्वेश्चन वही हो गया, एस एस लिंकेज जिसमें जीरो है होता ही नहीं, स्ट्रक्चर अभी देख लिया। बिल्कुल, नेक्स्ट, एक गैस फूलों के रंग को अपचयन द्वारा रंजित करता है, दूसरी ऑक्सीकारक की गैस कौन सी है। तो जैसे अपन SO2 रिएक्शन वाटर से करवा दे, बिल्कुल SO2 रिएक्शन वाटर से करवा दो, तो इसमें देखो पहले क्या बनता है H2SO3 बन जाएगा, और फिर वापस फिर वाटर से रिएक्शन होगी। बिल्कुल सर, तो H2SO4 बन जाएगा, और ये नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन दो नवजात हाइड्रोजन। अब इसमें क्लोरीन देखिए अपन,
और क्लोरीन की रिएक्शन वाटर से करा दो तो क्या बनेगा, HCl और HOCl। बिल्कुल। और फिर आपके पास फिर HCl निकल गया, फिर नेसेंट नेसेंट ऑक्सीजन ही आ सकता है, तो नेसेंट ऑक्सीजन से कलर परमानेंट उड़ जाता है। हाँ, एक चीज याद रखो, ब्लीचिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तो ऑक्सीडेशन से और एक रिडक्शन से। ऑक्सीडेशन की ब्लीचिंग हमेशा परमानेंट होगी और रिडक्शन की ब्लीचिंग हमेशा टेम्पररी। उसका रीजन है, आप रिडक्शन से उसकी ब्लीचिंग कर दिए लेकिन आपको फाइनली वो चीज लानी तो एयर में ही है, और जैसे बाहर लाओगे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होते ही कलर रीअपीयर हो जाएगा, फिर से रिडक्शन में कलर रीअपीयर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का परमानेंट हो जाएगा। तो कई बार इस टाइप का गैस एक्स वाई देकर के पूछ लेता है कि दोनों ही एक्वस मीडियम में ब्लीचिंग देती है, एक ही टेम्पररी है और एक ही परमानेंट है, कौन सी गैस है? तो ब्लीचिंग एजेंट में ध्यान रखो, एक तो O3 ब्लीचिंग एजेंट है, ड्राई कंडीशन में देता ही हमेशा, क्योंकि ये खुद ही आपका O2 और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। फिर उसके बाद में बात करें, Cl2 भी ऑक्सीडेशन से देता है लेकिन ये मोस्टर कंडीशन में देता है। इसी प्रकार एक ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ऑक्सीडेशन से देता है Cl2। हाँ, फिर आता है आपका कौन, SO2। तो SO2 ब्लीचिंग देता है जैसे कि सर ने बताया, वो एक्वस में ही देता है लेकिन रिडक्शन से। तो सिर्फ एक SO2 की ब्लीचिंग आने वाली है जो कैसी है, टेम्पररी है। तो यहां अपना आ गया एक रिडक्शन से तो SO2, एक ऑक्सीडेशन से तो Cl2। अब आप कहोगे कि SO2 दे रहा है, SO3 काम में ले लो। अगर SO3 लोगे तो H2O जब मिलाओगे तो ये लो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज हो चुका है, बाकी क्यों करेगा ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन चल रहा है। हां, तो ये आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट चले सर, नेक्स्ट उसको हीट करोगे तो इसमें देख लो आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल लो, रिमेनिंग क्या बच रहा है पीछे, एक तो सीओ बच रहा है और एक सीओ टू बच रहा है। बिल्कुल, ये दो कैसे बनेंगे आपके पास? बिल्कुल, यहां से ध्यान रखो, ये वाटर निकल गया, ये CO बन गई, ये CO2, ये H2 आपको, तो अपना आंसर हो जाएगा CO और CO2, CO2 और बोथ। नेक्स्ट है, अब डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, ये क्या होता है, NO2 जो था अभी आपने बताया था, N2O4 जो है ना, ये डाइमराइजेशन से बन गया। बिल्कुल सर, तो अब इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, देखो कितनी है, प्लस फोर है, तो ये प्लस फाइव में भी जा सकता है और थ्री प्लस थ्री में जा सकता है, दोनों का मिक्स फॉर्म बन जाएगा, दोनों प्रकार का बनाएगा। इसका मतलब ये वाटर से रिएक्शन करके दो टाइप के एसिड देगा, एक तो देगा नाइट्रस एसिड, एक नाइट्रिक एसिड देगा, तो देखो ये एक्टिवेट वाटर टू फॉर्म टू एसिड, फोर हो गया। बिल्कुल सर, नेक्स्ट चले, I2 जो रिएक्शन करके Na2H2O3 साथ है, ये आपका देखिए एक हाइड्रोमेट्रिक टाइटेशन में भी होता है। बिल्कुल सर, थायोसल्फेट है। देखो जनरली क्या होता है कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है तो इसको SO4-2 में लेके जाता है, राइट, लेकिन जब भी आयोडीन आएगा इसको S4O6-2 में लेके जाएगा, और ये अपना एनालिसिस एस्टिमेशन भी काम में आता है किसका, इसका, ये हाइड्रोमेट टाइटेशन, हाँ, वो ओजोन की, ओजोन की आती है और इसको हाइड्रोमेट टाइटेशन बोलते हैं। बिल्कुल, अनुमापन जो करते हैं, तो अपना यहाँ पे क्या बनने वाला है इसके साथ, Na2S4O6 थर्ड आदर। नेक्स्ट चले सर, राइट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, एक मॉडर्न मेथड है फॉस्फोरस को प्रिपरेशन करने का, जब इसके रिएक्शन है इनसे करवाएंगे तो आपको पता है जब ये डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड तो इसके साथ स्लैग मिलेगा CaSiO3। क्लियर सर, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से निकलने वाली है और आपका फॉस्फोरस यहां पे बनने वाली है, तो जो मॉडर्न मेथड है उसके अंदर आपका फॉस्फेराइट काम में लिया जाता है, तो इसमें आंसर थर्ड है। यहां पे कोक के साथ ही गर्म कर रहा है, ये बात एक सी थी, फॉस्फेराइट ही टाइप तरीके का, ठीक है, हालांकि फॉस्फेराइट में अपन P2O5 लेते हैं अगर इससे भी ये लेके करवाते, लेकिन साथ में वो कैल्शियम होता है, इस फॉर्म में होता है कंबाइंड, ये भी ले सकते हैं, हाँ, साथ में कोक और सैंड
ताकि इस कैल्शियम ऑक्साइड को उठाया जा सके। ये अपनी नॉन फ्यूजिबल है, इम्प्योरिटी आ गई तो इसको फ्यूजिबल बनाने के लिए अपने को फ्लक्स मिलाना पड़ता है, ये फ्लक्स का रोल करेगा। तो ये एक मॉडर्न मेथड है, थोड़ा ध्यान रखना आपको और इसकी रिएक्शन ये याद रखें आप। तो ये अपना आज पी ब्लॉक का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो अगला पार्ट आएगा दो फैमिली और बची सर, बिल्कुल फाइनल वही रहेगा अपना, उसके बाद में अपना सिर्फ एक पार्ट बच रहा है डी ब्लॉक ए ब्लॉक। बिल्कुल, तो अगले लेक्चर मिलते हैं आपके स्टूडेंट। ओके थैंक यू।